आप तक टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रभारी मंत्री असीम अरुण ने किया बाबा दुधेश्वर नाथ में पूजा अर्चना। आज गाजियाबाद श्रावण मास में चल रहे कांवर यात्रा को मुख्यमंत्री के आदेश पर कांवर यात्रा को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के आदेश दिए गए हैं, जिसमें सख्त आदेश दिए गए कि किसी भी प्रकार की कोई कोताही एवं लापरवाही न बरती जाए, जिसके मद्देनजर कांवर यात्रा मार्ग में पड़ने वाले सभी जनपदों में शासन प्रशासन सहित सत्तासीन पार्टी से जुड़े नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को कांवरियों की सुविधाओं एवं सुरक्षा की अहम जिम्मेदारी दी गई। कांवर यात्रा में शासन प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों को जायजा लेने माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन असीम अरुण आज गाजियाबाद पहुंचे, जिसके चलते मंत्री सर्वप्रथम कांवर इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम मेरठ रोड पहुंचे, जहां महापौर सुनीता दयाल, पुलिस कमिश्नर अजय मिश्रा, जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह द्वारा उनका स्वागत किया गया। तदोपरांत मंत्री ने इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने कंट्रोल रूम में लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से कांवर यात्रियों की सुविधाओं एवं सुरक्षाओं का जायजा लिया। मंत्री ने महापौर सुनीता दयाल, पुलिस कमिश्नर अजय मिश्रा, जिलाधिकारी राकेश सिंह से कांवर यात्रा से संबंधित छोटी से छोटी व्यवस्थाओं व सुरक्षा से संबंधित सभी जानकारियां ली। प्रभारी मंत्री ने कंट्रोल रूम से मेरठ तिराहे तक पैदल यात्रा की और कांवरियों से उनकी शासन प्रशासन द्वारा किए गए उनकी सुरक्षा एवं सुविधाओं के बारे में अनेक कांवरियों से पूछा, जिस पर कांवरियों ने बताया कि शासन प्रशासन ने अच्छी व्यवस्था की है, जिसके कारण हमें कोई असुविधा नहीं है। इसके बाद प्रभारी मंत्री मेरठ तिराहे पर बने मंच पर कांवरियों पर पुष्प वर्षा की, जो कि ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो जैसे शिव पार्वती के विवाह पर स्वर्गलोक से पुष्प वर्षा हो रही है। शासन प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों से मंत्री संतुष्ट दिखाई दिए। उन्होंने जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की अच्छी व्यवस्था व सुरक्षा के इंतजामों को देखते हुए चंद्रमा मनसो जात सुचो सूर्यो अजात श्रोता कल्पयन्साक्षी यावन कृतम यावत् कर्म समाप्तितो तावत्तो सन्निधौ भव नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च।